हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है श्रावणी का और तिथि श्रावण का तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी उपरांत द्वादशी की तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है प्रीति और करण है वृष्टि। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि आज मनाई जानी है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके कार्यक्षेत्र में जिन लोगों से आपके संबंध पिछले दिनों खराब हो गए थे, आज उनसे आपके संबंध अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और उनसे आपको अपना संबंध आगे भी बना करके रखना चाहिए। देवी कवच का पाठ करें और क्रोध करने से आज आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से आपका काम बिगड़ सकता है और आज आप अपने करीबी लोगों की भावना का सम्मान करते हुए काम करेंगे तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और किसी को रुपए पैसे आप उधार न लें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को, आज आपको घर के काम में ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज आप किसी से कोई भी वादा न करें, अपने दिल की बात कहने में आपको आज बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर अपमान आप न करें। कर्क राशि वाले जातक लोग, अपने प्लान में आज कोई आखिरी समय में बदलाव करना आपको पड़ सकता है। अपनी आत्मा की बात सुने और अपने निर्णयों पर आपको विश्वास रख करके अटल रहना चाहिए। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहें। सिंह राशि वाले जातक लोग, अपने घर और ऑफिस के बीच आज आपको संतुलन बना करके रखना होगा। कोई रिस्क वाला काम करने का आज दिन नहीं है। पूरी संभावना है कि आज कोई चोट चपेट दुर्घटना से आपका सामना हो, तो बहुत सावधानी से आज दिन बिताइए। श्री राधा कृष्ण सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें। निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी न करें। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप जो कोई भी काम करने जा रहे हैं, कहीं रुपया पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उस कार्य के प्रति पूरी आवश्यक जानकारी आप जरूर जुटा करके काम में लगें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य किसी भी स्थिति में आप न खोएं। तुला राशि वाले जातक लोगों को, आज आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आज कोई आपको ठगने या बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर सके। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, कभी कभी आप रिस्क उठाने से डरते हैं आज, लेकिन कुछ रिस्क लिया जा सकता है। जोखिम जो है कैलकुलेटेड रिस्क आज आप उठा सकते हैं। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे उधार आप न दें। धनुराशि वाले जातक लोगों को, आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज कोई आपको सुझाव देना चाहता है तो उसके सुझाव को आपको सोचना चाहिए, चिंतन मनन उस पर जरूर करना चाहिए। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए, आज आपका दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। आज किसी से कोई ऐसा वादा न करें जो आप पूरा न कर सकते हो। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, आज आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। मित्रों और परिवार के साथ कहीं मौज मस्ती का कार्यक्रम आज बन सकता है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार के सेवन से आज आपको दूर रहना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए, पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप थोड़ा सा मायूस, हताश और निराश हो गए थे, लेकिन आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। करियर की दृष्टि से दिन आज बहुत अच्छा है। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल भी न दुखाएं। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के महा उपाय की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं, दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए। किसी भी शिव पूजा की किसी भी तिथि में आप ये उपाय कर सकते हैं, चाहे वो सोमवार का दिन हो, चाहे वो प्रदोष का दिन हो। सोमवार में पड़ने वाले जो अलग अलग संयोग होते हैं, वो सोम प्रदोष होता है और भी ऐसे योग बनते हैं,
तो शिव पूजा की कोई भी दिन, सावन का महीना हो सकता है, मास शिवरात्रि जो महीने में एक बार पड़ती है, या फिर जो महाशिवरात्रि आती है, किसी भी शिव पूजा की तिथि में आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। तो करना क्या है आइए जानते हैं। किसी भी शिव पूजा के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करने से विवाह में आ रही रुकावटें जो हैं वो दूर होने लगती हैं और इससे जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। और मैंने बताया कि केसर के अभाव में कच्चे दूध में हल्दी का पाउडर भी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। धन प्राप्ति के लिए मछलियों को आटे की गोलियां या उबले हुए चावल की गोलियां बना करके आप खिलाएं। गोलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए लगातार हर सोमवार को 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना चाहिए। सुख समृद्धि की प्राप्ति और परेशानियों से मुक्ति के लिए सोमवार को नंदी बैल को हरे घास अपने हाथों से आपको खिलाने चाहिए। गरीबों को भोजन करवाने के से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इसके साथ ही पितरों की आत्मा की भी शांति होती है, संतुष्टि होती है और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि और हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति और पुराने जो भी जाने अनजाने पाप आपसे हो गए हैं, काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करने से ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्ति होती है। धन की वृद्धि के लिए घर में पारद से निर्मित शिवलिंग रख करके प्रतिदिन उसकी पूजा की जानी चाहिए और सोमवार के सोमवार उनकी विशेष पूजा अर्चना होनी चाहिए। सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग निर्मित करके 11 बार उनका अभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। रोगों से मुक्ति हेतु शिवलिंग का 108 बार जलाभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक करते समय ओम जूम सह मंत्र का जाप करते रहें। पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को तिल और जौ समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को जौ समर्पित करने से सुख समृद्धि और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। तो इस तरीके से अगर आप महादेव शिव की पूजा की किसी भी तिथि में करते हैं तो निश्चित ही आपके समस्त प्रकार के दुखों कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखमय होता है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय आपको निश्चित ही पसंद आते होंगे। अब तो सावन समाप्त होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस देख के उपाय नहीं किए थे तो अब कम से कम सावन के समाप्त होने के पहले आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय जय श्री महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोज की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी।
काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।